हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हैं आप? आज मैं आपको मैथमेटिक्स जो है, पहले मैंने पढ़ाया था आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर मैं पढ़ा रहा था, जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था। आपने देखा, उसको बहुत प्यार दिया। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। और अब मैं आपको आगे का लेक्चर देने जा रहा हूँ, आगे का पढ़ाने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। उसी चैप्टर में मैंने देखा तो उसमें ब्रीफिंग के बारे में दिया गया था, तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में कुछ उसमें दिया गया था। तो मैं तुमको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि क्या होते हैं कंपोजिट नंबर और क्या होते हैं प्राइम नंबर। उसके आगे फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये सब आगे की प्रोसेस रहेगी। पहले आपको मैं थोड़ा बेसिक बता दूं कि ये प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। फाइंड आउट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में हमें आपको थोड़ा सा बताना है। मैं जानता हूं आप लोगों को आता है, ये पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ओके, क्या होते हैं प्राइम नंबर? जैसे ये वन है, वन हमारा नेदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट। कंपोजिट नंबर, ये जो वन होता है, ये हमारा ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है? वन हमारा ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही अब हम दूसरे नंबर की बात करें, सेकेंड, टू। टू जो है हमारा, ये पहला फर्स्ट, क्या पहला फर्स्ट, पहला कौन सा नंबर है? इवन प्राइम नंबर, सॉरी, इसको हम कहेंगे फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड ओनली, फर्स्ट एंड ओनली, ये पहला और अकेला इवन प्राइम नंबर है, ठीक है? ये हमारा जो टू है, ये पहला और अकेला, सिर्फ टू ही है ऐसा, जो ये इवन भी है, मतलब प्राइम नंबर तो है लेकिन इवन प्राइम नंबर है ये। ये इवन नंबर है, ऑड नहीं है, इवन नंबर है, राइट? तो थ्री की बात करें, थ्री जो है ये हमारा फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर है ये हमारा, फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर है, थ्री हमारा पहला ऑड प्राइम नंबर है, राइट? अब इवेंट नंबर क्या, ऑड नंबर क्या? इवेंट नंबर वो नंबर होते हैं जो टू 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 की गैपिंग से होते हैं, टू के टेबल में आते हैं, हम जिनको टू से डिवाइड कर सकते हैं, जो टू से डिविजिबल होते हैं, वो होते हैं हमारे इवेंट नंबर।
जो टू से डिविजिबल ना नहीं होते हैं वो होते हैं ऑड नंबर. टू हमारा टू से डिविजिबल है तो ये हमारा इवन नंबर है, और थ्री टू से डिविजिबल नहीं है इसलिए ये ऑड नंबर है. समझ में आया राइट. तो अब जो है इसके बाद में हम बात करते हैं फोर की. फोर हमारा क्या है, फोर फोर जो है ये फर्स्ट कंपोजिट नंबर है, पहला कंपोजिट नंबर है ये हमारा पहला कंपोजिट नंबर है. और जो है ये हमारा पहला कंपोजिट नंबर है, फर्स्ट कंपोजिट नंबर है. अब हम इसी को ब्रीफ करते हैं कि क्या है इवन नंबर, ऑड नंबर क्या है. सबसे पहली चीज हम वन की बात करें, अगर हम वन के फैक्टर करें तो वन के कुछ फैक्टर होंगे क्या, वन ही तो है केवल वन, कुछ नहीं केवल वन है. तो इसीलिए ये वन हमारा ना तो प्राइम नंबर है ना हमारा कंपोजिट नंबर है, ये हो गया. और टू की हम बात करें, टू टू के अगर हम फैक्टर करते हैं तो टू वन जर टू, इसके फैक्टर में क्या आ रहा है, टू आ रहा है और वन आ रहा है, क्या आ रहा है टू और वन, टू आया और वन आया. तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनको अगर हम उनके फैक्टर करें तो उनके फैक्टर में सिर्फ दो ही नंबर आते हैं, जैसे इसमें टू और वन, कितने डिजिट है, कितने नंबर आए, एक नंबर ये आया एक नंबर ये आया, दो नंबर आए, दो नंबर आते हैं वो हमारा क्या है, जिनके फैक्टर करने पर सिर्फ दो नंबर मिले वो हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है. ठीक है, अब हम थ्री की बात करते हैं. थ्री थ्री के फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, थ्री वन जो थ्री, क्या आया थ्री टाइप वन, थ्री और वन, इसके फैक्टर आए थ्री और वन, थ्री और वन, कितने नंबर है, वन टू, टू केवल टू फैक्टर करने पर सिर्फ टू फैक्टर्स बने, वो क्या होता है प्राइम नंबर. ठीक है, अगर हम फोर की बात करें, फोर तो टू टू जा फोर, टू वन जा टू, कितने फैक्टर बन गए, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, वन टू थ्री, थ्री फैक्टर्स बन गए. तो ये क्या है हमारा, ये हमारा कंपोजिट नंबर है, क्या है हमारा, ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर. ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको. चलिए इसको मिटा देते हैं, अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं. प्राइम नंबर को फाइंड आउट करने के लिए एक साइंटिस्ट, एक मैथमेटिशियन थे, इनका नाम था इरेस्टोस्थेन्स. उन्होंने एक मेथड दिया था जिसको कहा जाता है सीव मेथड ऑफ इरेस्टोस्थेन्स. इरेस्टोस्थेन्स का सीव मेथड क्या है वो देखते हैं. सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं, वन से लेके फिफ्टी तक हम नंबर लिख लेते हैं. उसके आगे के नंबर आप लोग उस वैसे ही आगे के होंगे, चाहे आप, मैं आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी, थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री
30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और ये हमारा आगे 50। हम 50 तक सिर्फ मेथड से आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसके आगे के नंबर आप लोग अपने आप से करिएगा और करके कमेंट में मुझे बताइएगा कि इसका क्या आपका क्या क्या मतलब इसके प्राइम नंबर कौन कौन से प्राइम नंबर आपने निकाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वन हमने बताया आपको, ना तो ये प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। फिर टू पे हम क्या करते हैं, टू पे हम सर्किल करते हैं। अब टू का हम टेबल पढ़ते हैं या टू टू की गैपिंग से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टू और टू कितना, फोर कट गया, सिक्स कट गया, उसकी गैपिंग से हम करके काटते जाएंगे। टू का टेबल पढ़ के हम काटते जाएंगे, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, फिर उसके बाद टू ट्वेल्व, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, right? हमने सारे नंबर काटने के बाद में क्या करना है, फिर अगले नंबर पे सर्किल करना है, जो भी नंबर बचा है उस पर सर्किल करना है। आगे कौन सा नंबर है, पहले ये थ्री बच रहा है, थ्री पे सर्किल करेंगे। अब थ्री का टेबल पढ़ने स्टार्ट करेंगे, थ्री या थ्री थ्री की गैपिंग से स्टार्ट करेंगे। थ्री और थ्री कितने में, सिक्स, सिक्स कटा है, सिक्स और थ्री नाइन, नाइन और थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री फिफ्टीन, फिफ्टीन थ्री एटीन, एटीन थ्री ट्वेंटी वन, थ्री ट्वेंटी फोर, फोर थ्री ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन थ्री थर्टी, फिर थर्टी थ्री, थर्टी सिक्स, थर्टी नाइन, फोर्टी टू, फोर्टी फाइव और फोर्टी एट, फिफ्टी वन, आगे चला जाएगा। अब उसके बाद में हम फाइव, फाइव पे जो नीचे आ उसके आगे थ्री के बाद में जो भी बचा उस पर हम सर्किल करेंगे। फाइव बचा, फाइव पे सर्किल किया, फाइव के टेबल पढ़ना स्टार्ट किया, फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी, फिर उसके बाद में सेवन, सेवन पे सर्किल करेंगे, सेवन के टेबल स्टार्ट करेंगे, सेवन सेवन टू जा फोर्टीन, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, सेवन फाइव जा 35, 42, 49, 11 पे सर्किल करेंगे, फिर हमारा 11, 22, 33, 44, 13 पे करेंगे, 26, 36, 39, 52 पे जा रहा है तो अब वो आगे हो गया, 17 पे करनी है, 34, 34 उसके आगे जा रहा है, 51, 19 पे करना है, 38 तो उसके आगे जा रहा है, 57 उसके आगे जा रहा है, फिर आगे जो भी बचा 93, 23, 2 जा 46, 46 पहले से ही कटा है छोड़ देंगे, फिर 29, 29 अब 50 के आगे जा रहा है, इसलिए जितने नंबर बच रहे हैं उस पर हम सर्किल करते जाएंगे, 30, अब जितने भी हमारे ये सर्किल्स में नंबर हैं, जैसे ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47,
ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये हमारे प्राइम नंबर हैं, बाकी जितने भी नंबर कट डाउन है वन को छोड़कर, वो सारे नंबर क्या हैं, वो हमारे सारे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ये हमारा वन नेदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ठीक है। कर लीजिए आप लोग। चलिए इसको मिटाते हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम जो है वो एक तरह का हम कहेंगे एल्गोरिदम जो होता है, ये हमारा एल्गोरिदम जो है ये एक तरह की सीरीज है। क्या है? सीरीज। कैसी सीरीज है ये? वेल डिफाइंड स्टेप्स की। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम एक सीरीज है। कैसी सीरीज? वेल डिफाइंड स्टेप्स की। क्या होता है इन इस वेल डिफाइंड स्टेप्स में? क्या होता है इनसे हम लोगों को ये क्या देते हैं? Which gives a procedure. क्या देते हैं ये हमको? प्रोसीजर देते हैं। प्रोसीजर विच गिव्स ए प्रोसीजर, ये हमें प्रोसीजर देते हैं। और कौन सा प्रोसीजर देते हैं? तो सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर, एक तरीका हमें ये देते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम एक सीरीज है। कौन सी सीरीज है? वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं इसमें। वेल डिफाइंड स्टेप्स से हमें क्या फायदा होता है? हमें एक प्रोसीजर मिल जाता है, एक तरीका मिल जाता है, एक ढंग पता चलता है कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। उसके बाद में उससे क्या होता है, प्रोसीजर्स मिलने से क्या होता है, सॉल्व करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, सॉल्व कर लेते हैं उस प्रॉब्लम को। हम सॉल्व कर लेते हैं जो प्रॉब्लम हमें दी गई होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसे कहते हैं एल्गोरिदम। ये हमारा एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम क्या है? डेफिनेशन क्या है एल्गोरिदम की? एल्गोरिदम इज ए सीरीज
वेल डिफाइंड स्टेप्स, which gives a procedure which gives a procedure for solving a problem. ये तो हमारा एल्गोरिदम हो गया. एल्गोरिदम के बाद में लेमा क्या होता है? अब लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम एक सीरीज होती है. उस सीरीज से क्या होता है? उस सीरीज में वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं. वेल डिफाइंड स्टेप्स मतलब बहुत ही कायदे से समझाने वाले स्टेप्स होते हैं. इन स्टेप्स से हमें क्या फायदा होता है? विच गिव्स ए प्रोसीजर, ये स्टेप्स हमको एक प्रोसीजर देते हैं, एक तरीका देते हैं, एक ढंग देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, ये है हमारी डेफिनेशन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की. ठीक है, राइट. अब यूक्लिड डिवीजन लेमा पहले इसको नोट डाउन करें. हम लोग लेमा की बात करें. लेमा क्या होता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. लेमा क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, लेमा जो है वो क्या है? लेमा जो है प्रूवन स्टेटमेंट है. प्रूवन स्टेटमेंट. प्रूवन स्टेटमेंट मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूव किया जा चुका है. प्रूवन स्टेटमेंट लेमा जो है वो क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट है. इसका यूज किस लिए होता है? यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट. मेरा लेमा जो है, लेमा ये प्रूवन स्टेटमेंट है. ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूव किया जा चुका हो. और यूज, इसका यूज किस लिए किया जाता है? लेमा का यूज किस लिए करते हैं? यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट. दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम लेमा का यूज करते हैं. लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है. इसको हम दूसरे स्टेटमेंट, किसी दूसरे स्टेटमेंट को हमको प्रूव करना है, उसके लिए हमें यूज करते हैं इस लेमा को. ठीक है, अब इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले. ठीक है स्टूडेंट्स, बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे दूसरे लोगों को कभी फायदा हो सके. और थैंक यू सो मच.